young friends, we'll proceed with our annual prize distribution. 100 meters race, first prize, Mr. Amar Kumar. Second prize, Mr. Jamal. Amar Prem, ab to kitab chhod yaar. High jump, first prize, Mr. Johnny Whiskey. Second prize, Mr. Amar Kumar. Special prize, Mr. Prem Kumar. Prem, tumhara naam pukara ja raha, ja ke prize le lo. Prize, Prem, prize tumhara. Champion of the year, Mr. Amar Kumar. पूछते हो फोटो देखो फोटो मेरे लिए कोई नई फोटो नहीं है हर साल देखती हूँ अच्छा आशा एक बात बतला तूने अमर में ऐसी कौन सी बात देखी कि लटकू हो गई सूरत तो मरी होगी अरे सूरत ऐसी कहाँ की तोप है हाँ जरा बर्जिश वगैरह कर लेता है अरे बिंदु अपने अंदाजे लगा रही हो कुछ इसके दिल को भी तो पूछो एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हो कोई और बात करो ना ओह आओ भाई शादी की बात करें अच्छा ताशा मुहूर्त कब का है अरे लड़कियों किसकी शादी की बात हो रही है चाचा जी हमारी आशा की आशा की शादी कौन है लड़का ये रहा कहाँ चाचा जी अरे ये तो अपना अमर है बसंत लाल जी का लड़का आशा की माँ चाहिए किस बात की जल्दी है सुनोगी तो खुश हो जाओगी अच्छा तुरंत कहिए तुरंत अब आई हो तुरंत पर तो सुनो वो जो हमने बसंत लाल जी का लड़का आशा के लिए देखा था ना वो लड़का आशा को पसंद है चा? उसकी सहेलियों से पूछ लो हाँ चाची जी आशा तो इस पर अब इसके सामने आपसे क्या कहें देखा कैसे शर्मा रही है ओ, वक्त हो गया है लाओ मेरा बैग लीजिए अच्छा ये बात है देख अपने मन की बात मुझसे भी छुपा रखी प्रेम कुमार यूनिवर्सिटी में प्रथम अपने प्रेम है ना उसकी है सीता सीता क्यों चिल्ला रहे हो अरे उल्टी खोपड़ी पहले बेलन नीचे कर फिर मैं तुम्हें खुशखबरी पढ़कर सुनाता हूँ क्या पढ़ लिया अखबार में शक्कर का राशन हटने वाला है अरे अब शक्कर के राशन की कौन परवाह करता है शक्कर तो अब हमें अमेरिका से मुफ्त आया करेगी जानती है हमारा प्रेम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है फर्स्ट उसकी फोटो अखबार में छपी है ये देखो और लिखा है कि सरकार उसे अपने खर्चे पर अमेरिका भेज रही है अरे उल्टी खोपड़ी ऐसे क्या हंस रही है जरा मुंह खोल के दांत दिखा आखिर प्रेम को तुमने बच्चे की तरह पाला पोसा है तुम्हारी जगह कोई दूसरी भाभी होती तो आज खुशी के मारे भरतनाट्यम करती लेकिन मैं किसी नाचने वाले के खानदान से नहीं हूँ तो फिर हमसे सीख लो भरतनाट्यम कौन सी मुश्किल चीज आई है देखो बस 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 आप खुशी के मारे बावरे हो रहे हैं बावरा अभी तो प्रेम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है उसे अमेरिका से पटकर वापस आ जाने दो मैं दाजू बावरा हो जाऊंगा मन तड़प तो हरी देरे गुड्डी देख शोभा के होने वाले पति की फोटो हाँ पढ़ा पढ़ाकू लड़का है कॉलेज में फर्स्ट आया है इसलिए फोटो चाहिए दीदी बोलो क्या है गुड्डी ये बताओ इस अखबार में फोटो किसकी है अरे होगी किसी लीडर की या किसी फिल्म की हीरो की फिल्म हीरो की नहीं दीदी तुम्हारे हीरो की फोटो है क्या बकती है तू सच बकरी हूँ दीदी मेरे जीजा जी की फोटो छपी है अरे अभी तेरी बहन की शादी नहीं हुई और ये जीजा कहाँ से पैदा हो गया हा?
शादी तो हुई नहीं लेकिन बातचीत पक्की हो गई। वो लोग आए, मेरी दीदी को देखा, पसंद किया और जाते वक्त बाबा के मुंह में गुड़ डालकर शादी के वास्ते हाँ भी कर गए। तो सिर्फ बारात आने की देर है। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चांद नजर आए मेहताब दर मेहताब। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चांद नजर आए मेहताब दर मेहताब। पंछी थे और कल ये कॉलेज का दाना दुनका चुप कर हम अपने अपने घोंसलों के लिए रवाना हो रहे और ये कॉलेज का हॉस्टल रूम एक रिपब्लिक है और मैं इस रिपब्लिक का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आप सब लोगों को एक अवार्ड देना चाहता हूं। तालियां। सबसे पहला अवार्ड, अवार्ड नंबर वन, किताबी कीड़ा श्री प्रेम कुमार जी। तालियां। अमर कुमार, आपका अवार्ड। अवार्ड मिस्टर प्रेम कुमार, पहले 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 किताबी कीड़े का खत पढ़े। क्या कर रहे हो? प्लीज बच्चू। वाह भैया, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारे भैया का खत है, लिखा है कि तुम्हारी शादी हो रही है एक चूटी के साथ पहली तारीख को नासिक में। अरे क्या ये नहीं लिखा कि प्रेम को दहेज में एक लाइब्रेरी पेश की जाए? डियर गधे। हाँ? मेरे बाबू किसने याद किया? क्या हुआ भाई? मैं मर गया, मेरी आजादी छीन ली गई। मेरे पिताजी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी पहली तारीख को नाज
शादी में तय कर ली। ये समझते क्या है? मैं मर गया। अरे तुझे क्या हुआ? अरे मस्का प्रशांत, अब तुझे क्या हुआ? तुम दोनों की शादी एक ही दिन, एक ही जगह पर, एक ही मोहर पर, मगर मैं किसकी शादी में जाऊं? अबे लॉटरी डाल लेना। एनीवे गुड आइडिया। एनीवे मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें आपसे दिली हमदर्दी। सब गधे हैं, अभी तक नहीं आया। गधा कहेगा ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा। क्या हो गया है आपको? कितना भिन्ना क्यों रहे? अरे मैं कोई मक्खी हूँ जो भिन्नाऊंगा? अब तुम ही बताओ, तुम्हारा छोटा गधा बम्बई से डकन क्वीन में आ रहा है और डकन क्वीन ठीक 8 बजे आती है। अब क्या वक्त होगा? 9 तो जरूर बजे होंगे। तो फिर वो गधा अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है गाड़ी लेट हो गई। ओहो, किन गधों से वास्ता पड़ा है? अरे डकन क्वीन रेलगाड़ी है, कोई बैलगाड़ी नहीं। अमर, अरे गधे, इतनी देर से क्यों आया? पिताजी गाड़ी लेट थी। क्यों लेट थी? मुझे क्या मालूम। डकन क्वीन पर तू आया है या मैं? मैं तो फिर ये तुझे पता होना चाहिए कि गाड़ी क्यों लेट थी। अबे इंसान घोड़े गधे की भी सवारी करता है तो सोच समझ कर, और तू इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी पर बगैर सोचे समझे चढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि काल की हवा ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। ना जाने पिताजी कब मीठा बोलना सीखेंगे। घर में पांव रखते गालियों की बोछार, गधे की तकरार। अरे मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ? माँ मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। अमर तू अपने पिताजी के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है, और उनकी पीठ पीछे मुझ पर रोक जमाता है। अब मैं भीगी बिल्ली नहीं बनने वाला हूँ। क्या मतलब है इस चिट्ठी का? तेरी शादी की बात लिखी है और क्या? शादी की बात? मेरी शादी की बात? इस मामले में भी मेरी गर्दन पे छुरी फेरी जा रही। बस पिताजी ने लड़की देख ली और मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। अरे मैं पूछता हूँ, जिस लड़की के साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है, क्या मुझे उसे देखने का कोई अधिकार नहीं? बेटा तुम्हारे पिताजी के साथ लड़की देखने मैं भी गई थी। तो फिर उससे शादी भी तुम ही कर लो। छोड़ना ये गुस्सा, मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ? तेरे लिए जो हमने लड़की ढूंढी है वो लाखों में एक है। एक पिताजी पर ना से, मुझ पर तो विश्वास है। माँ तुम उसकी लाख तारीफ करो, लेकिन मुझे ये शादी बिल्कुल मन मम क्या आगे बोलना। माँ माँ जो कुछ मैंने तुम्हें कहा था पिताजी से कह दो ना। डरती क्यों? अरे ये क्या कहेगी और तू क्या कहेगा? मैंने आज तक दुनिया को अपनी सुनाई है, किसी गधे की सुनी नहीं। जी क्या? अरे वो कुछ आगे भी बोल। वो बात ये है कि अमर लड़की को एक नजर देखना चाहता है। हाँ पिताजी एक बार लड़की देखोगे? हाँ। क्यों, मेरी आंखों में कोई नुक्स है क्या? 55 वर्ष का हो गया हूँ, ना अभी तक एक दांत हिला और ना आंखों पर चश्मा लगा। सुन दे गधे, जब मैं हुक्म दूं तो चुपके से लगन मंडप में बैठ जाना, और जब मैं इशारा करूं तो चुपके से लगन मंडप से उठ जाना। ज्यादा चूच रात की तो सारी उम्र कुंवारा रखूंगा तुम्हें। और सुनो, वो जो अपना A1 टेलर है ना, वहां जाकर अपनी अक्षर का नाप दियाओ। कपड़ा मैंने पसंद कर लिया है, मटर पनीर और थोड़ी। क्या कर रही हो भाभी, आगे आधी कटोरी भरी हुई है। मैं फिर अमेरिका परदेश जाकर मटर अलग खाने पड़ेंगे और पनीर अलग, और वो भी ना जाने कोई चुड़ैल होगी परोसने वाली। कुछ दिनों के लिए घर का मिर्च मसाला पेट भर कर खा लो। अमेरिका जाना इतना आसान है क्या? तो क्या दूसरे लोग जो हिंदुस्तान से अमेरिका जाते हैं उनके सर पर सिंह होते हैं? लेकिन उनके पास दौलत तो होती है। ओहो उल्टी खोपड़ी, तू बीच में जरूर बोलेगी। जब हमारी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि हमारा प्रेम सरकारी वजीफे पर अमेरिका जाएगा, तो गवर्नमेंट के खिलाफ सर उठाने वाले हम कौन होते हैं? बाकी रही टिकट और कपड़ों के लिए 10,000 रुपए की बात, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 10,000 रुपए आपकी जेब में पड़े। अच्छा तो तेरा मतलब ये है कि हम किसी दूसरे की जेब से निकाल लें? मैंने कब कहा, लेकिन एक बात हो सकती है, प्रेम की शादी हमने जहां पक्की की है उनसे जहेज ना लेने का फैसला भी हमने किया था, लेकिन उन दिनों प्रेम के अव्वल आने और अमेरिका जाने की बात कहां थी? और जब प्रेम अमेरिका से लौटकर लाखों में खेलेगा तो मौज तो उनकी लड़की ही उड़ाएगी। सीता बात कुछ कुछ मेरी समझ में भी आ रही है। तुम्हारा मतलब यही है ना कि 10,000 रुपए के खर्च का जिम्मा प्रेम का होने वाला ससुर उठाए? आज पहली बार उल्टी खोपड़ी की बात आपके समझ में आई है। सीता सीता आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बेटा प्रेम तुम समझ लो कि अमेरिका पहुँच गए। बेटे अब मुँह मीठा द्वारका बाबू जी, जब आप जैसे मर्यादा वाले घर से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ तो मैं ही जानता हूँ मैंने अपनी बेटी की किस्मत पर कितना नाज किया। लाला जी आप भी कोई कम खानदानी नहीं है। बस द्वारका बाबू शराफत ही हमारी पूंजी है। वो जो आपने लिखा था ना कि प्रेम के अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट और कपड़े बनवाने के लिए 10,000 रुपए का जिम्मा मेरा है। देखिए लाला जी, 10,000 रुपयों के लिए हम इतना अच्छा मौका भी नहीं खो सकते।
ये लड़के के जिंदगी का सवाल है। बेशक बेशक। अब आपसे क्या छुपाना, जब से लोगों ने प्रेम के अव्वल आने और अमेरिका जाने की बात सुनी है, हमारे घर की दहलीजें उखाड़ दी है। 10,000 रुपए तो क्या 20-20 भी लोग देने को तैयार हैं। बहन जी, अब ये कैसे हो सकता है, शादी का तो मुहूर्त भी निकल चुका है। लेकिन लाला जी, अभी तो सारी बात जबानी जबानी है। नहीं नहीं, मैं जबान को लिखत पढ़त से ज्यादा मानता हूँ। आप ऐसा वैसा मत सोचिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे लाला जी, आप जैसा नेक आदमी जिस काम में हाथ डालेगा उसे पूरा ही करके छोड़ेगा, क्यों सीखा? इसमें क्या शक है? अच्छा, मैं इस वक्त आज्ञा लेता हूँ, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। सेठ जी, 32 सेठ जी, 64 सेठ जी। हाँ जी। 10,000 में मेरा गंगा स्नान हो सकता है सेठ जी, मगर मेरा तो गंगा और जमुना दोनों स्नान हो जाएंगे। रुपये किससे वसूल करूँगा, ना आपका घर, ना जमीन, ना जायदाद। मेरी शराफत पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपये जरूर लौटा दूंगा। सूद का धंधा सूरत और शराफत देखकर नहीं होता। जाइए, कह रहा हूँ। हरिशंकर जी, तुम मेरे पुराने मित्र हो, भाई समान हो, इस वक्त 10,000 की सहायता कर दो तो तुम्हारी भतीजी ठिकाने लग जाएगी। गणपति राय जी, हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं। एक बंगले का सौदा किया था, 30,000 बाकी है। अगले महीने मैंने अपने लड़के को वलायत भेजना है। ए, मेरा हाथ तंग है। ए, मुझे गलत न समझना मेरे भाई। आशा की माँ, तुरंत आना। ओहो, आज बेटी की शादी के रोज भी आप तुरंत नहीं भूले। बताइए, अब किस बात की जल्दी है? मैं थोड़ी देर के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। आज के दिन दफ्तर? क्या करूँ, मालिक को तो तुम जानती हो, आदमी दिल के अच्छे हैं, लेकिन हैं जरा सिर फिरे, न जाने किस बात पर गुस्सा कर बैठे। अरे सुना है वो अपनी शादी के दिन भी 7 बजे तक दफ्तर में बैठे थे, और फिर आज 1 तारीख है, तनख्वाह तो मुझे बांटनी पड़ेगी। बधाई हो लाला जी, बधाई हो। आइए आइए, पधारिए पधारिए। आप इस वक्त बरात के रहन सहन का इंतजाम तो ठीक है? हाँ लाला जी, बहुत अच्छा इंतजाम है। हम तो यूं ही आपके दर्शनों के लिए चले आए। और क्यों बहन जी, कोई खास काम है क्या? लाला जी, अब तो उम्र भर आप ही से काम पड़ना है। वो हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं, वो 10,000 रुपए आप कैश दे रहे हैं या चेक? अरे हाँ, 10,000 रुपए कैश ही का इंतजाम कर दूंगा। इंतजाम इंतजाम हो चुका है या करना है? समझिए, हो ही चुका है। अगर हो चुका है तो अपना बोझ हल्का कीजिए, अभी भी देना है और शाम को भी। अरे ओ उल्टी खोपड़ी, एक शरीफ आदमी कह रहा है तो फिर अभी क्या और शाम क्या, तूने कौन सा रुपया सूद पे चढ़ाना है? ए लाला जी, आप चिंता ना कीजिए, हम फेरों पे ले लेंगे। ए चल भाग्य भाग। अच्छा लाला जी, पापा रुपयों का इंतजाम हो गया? नहीं बेटी, बैंक से रुपए ले आऊं ना। कौन सी बैंक से? इतने ही तो बैंक है। लेकिन बैंक में अपना रुपया भी तो होना अगर चाहिए। बैंक आपको रुपया नहीं दे सकता तो फिर बैंक इस बात का हुआ? जाओ बाबा, बैंक जाओ, रुपया मिल जाएगा। रुपया मिल जाएगा? बच्चों की जबान पर सरस्वती का निवास होता है। अच्छा बेटी, एक उंगली पकड़ो ये। प्रसाद जी, बात ये है कि मुबारक हो, आप कन्या की शादी कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया कपूर साहब, ये चेक जल्दी कैश कर दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन बात ये है कि आप तकदीर के धनी हैं, वरना बीए पास लड़का और अच्छा घराना हर किसी को नहीं मिल सकता। आप चेक पर स्टैंप लगा के काउंटर मुझे दे दी। कौन कौन से नोट दूं? तनख्वाह बांटनी है, 10,000 के 100 के दे दी, और 5,000 के 10 के, और 5,000 के 5। राम प्रसाद जी, जी संभाल कर ले जाइएगा, आजकल जमाने की हवा बहुत खराब है, चोर चक्के पीछे लग जाते हैं। रणजीत जी, कोई बच्चा तो नहीं हूँ, 20 साल से यही काम करता चला आ रहा हूँ। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग। क्या बात है जी?
हाँ खजांची राम प्रसाद जी है। हाँ भाई मैं वही, आज पहली तारीख है, बैंक से 20,000 रुपए लेकर 70 की तनख्वाह बांटने के लिए निकला था। अरे किसका देगा किसका रुपया, रोज सुनते हैं किसी दफ्तर का खजांची लुट गया, किसी फर्म के मुनीम का बेग छिन गया। अब ये नाटक तो बहुत पुराना हो चुका है। नाटक, मेरी जान जा रही है और आप इसे नाटक कह रहे हैं, मेरा बैग गुम हो गया। प्रसाद जी आज आपकी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, दफ्तर के रुपए मानने का इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है। सच कहते हो भाई, आजकल के जमाने में झूठ को सच बना देना कौन सी बड़ी बात है। बैग छिन गया होता तो ये माँ से यहाँ ना खड़े होते, अब तक किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहे होते। अजी रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, ये नहीं लिखवाएंगे तो इनके दफ्तर का मालिक लिखवाएगा। सोच क्या रहे हो, ये दुनिया है, यहाँ पल भर में साहूकार चोर बन जाता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, कोई सच्चाई का साथ नहीं देने वाला, दुनिया तुम्हें चोर ही समझे, तुम्हारा मालिक, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अपने बेगाने, सबकी नजरों में तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। मैं चोर हूँ। ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है, कन्यादान के वक्त दर्जी का बाप दूं। राम प्रसाद कहाँ है, फेरी सी ओ, ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है, शादी के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी कर रखा है। अजी हम लड़की बिहाने आए हैं, भगाने तो नहीं। सब लोग अपनी जगह बैठे रहे, कोई हिलना नहीं। ईमान थानेदार जी साहब, बात क्या है, शादी में तो हिलना जुलना लगा ही रहता है। इंस्पेक्टर साहब सारे घर की तलाशी लीजिए, सर्च सर्च, हो सकता है राम प्रसाद यही कहीं हो। चलो, तुम शायद लड़के के बाप हो, लेकिन मेरी सी वो कहाँ है, वो कहाँ है। अभी उसी की तो हमें भी तलाश है, मगर आप कौन है। मैं राम प्रसाद, मेरा खजांची है, मेरे दफ्तर की 20,000 रुपए लेकर भाग निकला है। नहीं, नहीं। वैसे तो राम प्रसाद बहुत शरीफ है, वेरी वेरी ऑनेस्ट, कभी एक पाई इधर उधर नहीं करता। I see. शायद लड़के वालों ने जहेज का तकाजा किया होगा। लो, आज तक हमारा गधों से वास्ता पड़ता था, लेकिन अब हम ही गधे बन गए। महाराज आशीर्वाद किन चावलों का क्या करना है, आधे अपने सर में डालो, आधे मेरे सर में। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ के आसार अच्छे नहीं है। चलो माँ, ये तो हमारी भी बदनामी होगी। सुनिए, न जाने क्या हो गया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते असल बात का पता कैसे चलेगा। असल क्या और नकल क्या, हम ही गधे थे जो चोरों के घर सहरा बांध कर आ गए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए, आशा आप ही की बेटी, अगर दरवाजे से बारात वापस चली गई तो एक निर्दोष कन्या का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहन जी आप ही इन्हें समझाइए, औरत का दुख औरत ही समझती है। जी यूं किसी को क्यों ठुकराना, कौन जाने सच क्या है और झूठ क्या है। सच और झूठ को गोली मारो, अब यहाँ से चलने की करो, चलो बेटा उठो। बहन जी आज तक हमारे सर पर इज्जत की सफेद चादर थी, न जाने इसमें किसने ये झूठा दाग लगाया। आप लोग चले गए तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, अब आप डोली लेकर ही जाएंगे। बहन मैं भी आखिर तुम्हारी तरह औरत हूँ, मर्दों की बातों में क्या दखल। चल बेटा, वरना ये जमानत में हम ही रख लेंगे। अब चलो ना, होटल बंद हो गए तो सारे बराती भूखे मर जाएंगे। चलो ऐसा न कीजिए, ये झूठ है सब झूठ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे पिता बड़े धड़ कर्म वाले आदमी हैं, ये झूठा इल्जाम उन पर लगाया गया है। मुझसे ये बात कहने की क्या जरूरत है, जाकर पुलिस में कहो। देखिए आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सोचिए कि एक न एक दिन ये पता चल ही जाएगा कि मेरे पिता बेगुनाह हैं, फिर आप बड़ों की बातों में आकर मेरी खुशियों पर पानी फेर कर क्यों जा रहे हैं। मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी और जब आपकी पूजा करने का मौका मिला तो आप इस तरह ठुकरा कर चल दिए। लेकिन ना तो मैंने तुम्हें चाहा और ना ही तुम्हारी पूजा कर ली, आखिर हमारे फेरों में देर ही कितनी रह गई थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा था। मेरे साथ न सही, मेरे लिए तो बैठे थे। सोचिए वेद मंत्र पढ़े जाते और अगर 10 मिनट के बाद पुलिस आती तो आप मेरे पति बन चुके होते, फिर क्या होता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरी शादी हो भी जाती
तो मैं क्या एक बदनाम घराने की लड़की का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाता, वहीं पर ठुकरा ना देता? मैं तो उम्र भर आपकी ठोकरें खाने के लिए तैयार हूँ। एक बार मुझे देख भी लीजिए। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें देखने की? हट जा। लीजिए 10,000 रुपए। मैं जानता हूँ मैंने आपको दिया हुआ वचन किस तरह पूरा किया। लाला जी, आपकी शराफत पर हमें पूरा भरोसा था, वरना फेरों के पहले हम तकाजा करते। हाँ, हाँ। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। हेलो प्रेम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आइए आइए बसंत लाल जी, इनसे मिलिए। ये प्रेम के ससुर है लाला गणपत राय जी। नमस्ते। मुबारक हो। अमर, ये है मेरी मिसेस शोभा। नमस्ते जी। अरे अमर, तुम अकेले है? यार और किसे साथ लाता। अरे क्यों भाई, तुम्हारी भी तो आज शादी थी। तुम्हारी मिसेस कहाँ है? हमारी मिसेस मिस हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो प्रेम? दरअसल बात ये है। अबे गधे तू चुप रहे, मैं बताता हूँ। हर कदम पर गधों से वास्ता पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अजी उस गधी के बाप की, जिसने मेरे गधे को दामाद बनाना मंजूर किया। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी, बाप गायब, ऊपर से पुलिस का धावा। बात क्या थी? अजी बात क्या, वो गधा किसी कंपनी में खजांची था, तनख्वाह के लिए बैंक से रुपए लेकर फरार हो गया। 100-200 नहीं, पूरे 20,000। क्या नाम? अब उसका नाम लेकर जबान का मजाक क्या किनकरा करना है। कोई गधा राम प्रसाद। तो क्या शादी रुक गई? रुकेगी नहीं तो और क्या होगा? क्या एक चोर की लड़की को मैं बहू बनाकर घर ले आता, यहाँ आप ले आते? क्या हम गधे हैं? I'm sorry। अरे इसमें अफसोस की क्या बात है, अच्छा हुआ जान बच गई, वरना हम किसी चोर के दामाद बन जाते। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। सामने एक नई जिंदगी है मगर, सामने एक नई जिंदगी है मगर, पीछे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। फूल सेहरा के भी मुस्कुराते रहे, चूड़ियां दुल्हनों की खनकती रहे। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, लेके पलकों में खुशियों की बारात
रात को डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के। वो कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के। ये थाली लेकर ऊपर जा। अरे ओ उल्टी खोपड़ी, प्रेम के आज सुहाग की स्टेज पर बैठकर खाना खाएगा। आप तो कुछ नहीं समझते, दोनों प्यार से एक साथ एक थाली में खाना खा लेंगे। नई नई बहू आई है, हमारे सामने उसे लज्जा नहीं आएगी। बात तो तू गलत नहीं कहती, लेकिन प्रेम के बगैर मुझे भूख कैसे लगेगी। कल शाम से उसे देखा ही नहीं। नई नई शादी का ये मतलब तो नहीं होता कि वो नीचे उतरने का नाम ही न ले। आप तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जवानी का हक तो न छीनी। कल शाम से ऊपर से कितनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही है, कभी मिली जुली हंसी, कभी खुसर फुसर, न जाने क्या क्या। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहू ने आते ही प्रेम पर डोरे डाल दिए हैं। उल्टी खोपड़ी बैठ जा। याद है वो जमाना जब हमारी शादी हुई थी, तो पहली रात मैंने सिर्फ तुम्हारा घूंघट देखा था, दूसरी रात ठोड़ी, तीसरी रात होंठ, चौथी रात नाक, पांचवी रात आंखें, छठी रात माथा, और फिर सातवीं रात तुम्हारे काले काले घने घने बाल जिसमें मैंने उंगलियां फेरी थी। वो बैलगाड़ी का जमाना था, अब हर पांच मिनट के बाद छत के ऊपर से हवाई जहाज निकल जाता है। खाना खा लीजिए। तू कहाँ जा रही है? दूसरी थाली तो लाओ। आज हम भी एक ही थाली में खाएंगे। क्यों बच्चों से मुकाबला कर रहे हैं? बच्चों की खुशी देख देख कर हमें भी तो खुश होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, आवाज ऊपर चली जाएगी। खुल के बात कीजिए। आज हम भी खुसर फुसर में बात करेंगे। सारे घर का रंग एक ही जैसा होना चाहिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे, क्यों? अपने हाथ से देखिए। हाँ। शहर छोड़कर जा रहा हूँ, कम से कम पाप की गठरी तो हल्की करता जाऊं। अमानत रहेगा, मैं कहीं नौकरी करूंगी, कौड़ी कौड़ी जमा करके जब पूरे 20,000 हो जाएंगे तो उनकी अमानत लौटाकर पिताजी के नाम पे लगा हुआ थप्पा धोऊंगी। प्रेम बेटा, अमेरिका पहुंच कर हर रोज चिट्ठी लिखा करना है। अच्छा भैया। प्रेम, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जीते रहो।
अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे शोभा बिटिया से जाने की इजाजत ले ली। मेरी निगाहें सदा आपकी राह में पीछे रहेंगी, जल्दी लौट आइएगा। अच्छा अपना ख्याल रखना। जीजा जी मेरे लिए अमेरिका से जापानी गुड़िया जरूर ले आना। जरूर लाऊंगा। कोई मदद कर सकता हूं? ओह माय गॉड, ये तो पंचर हो गया और यहाँ आसपास कोई साइकिल रिपेयर की दुकान भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मजबूरी का दूसरा नाम खामोशी है। समझ गया समझ गया। आइए आइए मेरे स्कूटर के पीछे बैठ जाइए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ छोड़ दूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो। अजी गलत मत समझिए, आप तो पढ़ी लिखी मालूम होती है। फिर आपको मैंने आपको गलत नहीं सही समझा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि साइकिल का क्या करूँगी। अरे ये तो बड़ी मामूली सी बात है, मैं अभी से फिट करता हूँ। बच्चा लोग जरा यहाँ आना। क्या है मास्टर जी? सुनो ये साइकिल है ना, इसे स्कूल तक ले जाओ। लेकिन मास्टर जी हम लेट हो जाएंगे। अरे हेड मास्टर जी से मैं बात कर लूंगा। कम कम कम, 1 2 3। आइए आप भी आ जाइए मेन साहब। आइए डब्बा, मेरा मतलब है टिफिन कैरियर मुझे दे दीजिए। बच्चा लोग रास्ते में घंटी बजाते हुए जाना। मेम साहब जरा साड़ी संभाल के बैठिएगा, कहीं पहिए में ना आ जाए। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई आराम भी नहीं। शायद स्कूटर के पीछे पहली बार बैठी। बिल्कुल। तो आपको बहुत डर लग रहा होगा। कलेजा मुंह को आ रहा है। देखिए ध्यान आगे रखिए। जरा संभाल के बैठिए, पांव कहीं फिसल ना जाए। मुझे ठोकर खाकर भी संभलने की आदत है। अच्छा तो ये बताइए आपको जाना कहाँ? स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड लाइट इंस्टीट्यूट। अच्छा वो तो मेरे स्कूल के बिल्कुल सामने है। अच्छा क्लास डिसमिस। गुडी, वो देखो वो बिल्डिंग है ना, उसमें एक टाइपिंग का स्कूल है। हाँ मास्टर जी, जहाँ लड़कियाँ टिकटिक करती हैं। हाँ वही स्कूल है। देखो वहाँ जाकर एक लड़की को ये चिट्ठी दे देना। किसी भी लड़की को? नहीं नहीं, एक खास लड़की को। उसका नाम क्या है? नायलॉन की पीली साड़ी। हाँ मेरा मतलब है उसने नायलॉन की पीली साड़ी पहन रखी है, मोटी मोटी उसकी आँखें हैं, गोरा गोरा उसका रंग है। मास्टर जी क्या ये मैं चिट्ठी दे के चली आऊँ? नहीं उसे कहना ये चिट्ठी टाइप कर दे। मास्टर जी वो मुफ्त में चिट्ठी नहीं टाइप करके देगी। हाँ तो ऐसा करो, ये आठ आने लो, अगर वो मांगे तो दे देना, नहीं तो तू रख लेना। गुड लक। पीली साड़ी क्या है? नहीं नहीं तुम नहीं, चश्मे के बगैर पीली साड़ी। अबे गधे, मुझे किसने पुकारा? अबे गधे के बच्चे, मुझे दोबारा किसने पुकारा? गधे के बाप ने। पिताजी आप तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। आज क्या स्कूल जल्दी बंद हो गया है? जी। तो किस गधे का बाप मरा है? हाँ जी अभी तक तो जिंदा है। मेरा मतलब आधे दिन की छुट्टी है। तो बाकी का आधा दिन क्या सड़क पर खड़े खड़े गुजारना है? घर क्यों नहीं चलता? हाँ चलिए। नहीं घर कैसे जा सकते हैं, स्कूटर खराब है। खराब है? हाँ मेरा मतलब ऐसा स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट नहीं होता? हट जा। कैसे नहीं स्टार्ट होता, इसमें पेट्रोल है? जी हाँ है।
बोल, ये साफ हुआ या साफ है? क्या है? जंतर मंतर है। जंतर मंतर है, चल ये डंडा पकड़ ले और धर जा पीछे। हाँ पिताजी, आपका डंडा और मैं। अबे धरता क्यों है, तेरे बाप का ही तो है, चल धर जा पीछे। अगर आप कहीं गिर गए तो? अबे तू जो पीछे बैठा है कैसे गिरूंगा, मुझे संभालना। अबे उल्टा क्यों बैठा है? अजी पिताजी, आपका बेटा हूँ, सीधा कैसे बैठूं? अला की माँ, गधे की माँ, ना जाने किनका भोसड़े वास्ता पड़ा है। अरे जाती महारा। क्या बात है जी? जी जी की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से चिंता और सांसी अंदर से लेकर आ। अंगीठी तवा पर आती ना? ओ ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है। अरे जो मैंने कहा है वो लेकर आ। मानती नहीं, सुनती नहीं बातें। गले तू कहा जरा ठहर और देख, ये चिमटा और सांसी मैंने क्यों मंगाया है? अभी दिखाता हूं, भागेगा, लड़की को बिठाता है। गला कहेगा, अब बोल लड़कियों को कहां बिठाएगा? मैंने स्कूटर तुझे इस वास्ते लेकर नहीं दिया था कि लड़कियों को स्कूटर पर बिठाकर सैर आता फिरे। आज तूने लड़की को स्कूटर के पीछे बिठाया है, कल वो लड़की तेरे सर पर बैठ जाएगी और परसों तुम दोनों मेरे सर पर सवार हो जाओगे। ओहो, इतना ताव क्यों खा रहे हैं आप? इस उम्र में लड़कियों को नहीं सैर कराएगा तो क्या बूढ़ा होके कराएगा? ए गधी, क्यों आपको हवा दे रही है? हवा नहीं दे रही बल्कि ये समझा रही हूँ कि कसूर इसका नहीं हमारा है, हमने कौन सी इसकी शादी कर रखी है। अरे इसकी एक बार शादी रचाई तो लगन मंडप में पुलिस आ गई, अगर दूसरी बार इसकी शादी करूंगा तो शायद पूरी मिलिट्री आ जाएगी। ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है। अच्छा होता दो चार साल कॉलेज में फेल हो जाता, यहाँ आकर तो पिताजी ने नजर बंद कर दिया। अमर बेटा। अरे बाहर में क्या बेटा, पिताजी को ये समझना चाहिए अब मैं बच्चा नहीं रहा। अगर वो 7 नंबर का जूता पहनते हैं तो उनका ये गधा 8 नंबर का पहनता। अरे प्रीति इतनी देर कैसे कर दी बेटी? पिताजी हमारे ड्रिल मास्टर ने देर करा दी, मुझे चिट्ठी दी और कहा जाओ इसे एक लड़की से टाइप करा लो। अरे गुड्डी बेटा। अरे अरे कौन सी लड़की, कैसी चिट्ठी? चाचा जी बड़ी अकड़ू लड़की है, धीरे धीरे टाइप करती है। देर चिट्ठी टाइप हुई, ड्रिल मास्टर चले गए। अरे वाह वाह वाह, वो चिट्ठी कहाँ है? सीता बहरा तुम्हें तोता मैना का किस्सा सुनाऊं? उम्र में आप मुझे तोता मैना का किस्सा सुनाएंगे? उल्टी खोपड़ी, बड़ी मजेदार बात है, गुड्डी के ड्रिल मास्टर का एक टाइपिस्ट लड़की से टांका मिल गया है। बच्चे के सामने कैसी बातें करते? मेरा काम है बातें करना, बातें ना सुनना बच्चों का काम है। क्यों बेटा? चाचा जी बताओ ना मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत है, मोहब्बत एक चिड़िया होती है जो जिसकी छत पर बैठ जाए उसका छज्जा हिलने लग जाता है। तो मोहब्बत कितनी बड़ी चिड़िया होती है? अरे बहुत बड़ी होती है। अच्छा चाचा जी ये भी बता दो टांका क्या होता है? टांका? लो अब दर्दियों वाली बात तुम्हें कैसे बताऊं, जाओ ऊपर जाकर दूध पी, ठंडा हो रहा है, जा जा जा, जा, जा। हाँ सीता, आजकल के लड़के अपनी प्रेमिका के लिए क्या क्या प्यारे शब्द ढूंढ निकालते हैं। जाने बहार, दिल का करार, गुलो गुलजार, और फिर जवाब भी टाइप में मांगते हैं। हमारे जमाने में तो हम हाथ से काम ले लेते। लड़की ने क्या लिखा है वो भी तो पढ़िए। लड़की ने वही लिखा है जो शादी से पहले तूने मुझे लिखा था। लड़की लिखती है, मुझसे अगर तुम्हें प्यार है तो अपनी छत पर 6 दिन एक टांग पर खड़े होकर 60,000 बार मेरे नाम की माला जपो। तो लड़की जरूर समझदार है, तपस्या के बगैर किसी का मन कैसे जीता जा सकता है? जीता, लड़की अगर खूबसूरत हो तो 6 दिन क्या, आदमी 6 महीने भी एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या कर सकता है। 6 दिन का दुख और सारी उम्र का सुख। आप आंखें बंद करके क्या मजा ले रहे हैं? तुम्हारे नाम का प्राणायाम कर रहा हूँ। आप क्या जाने, मैं वही हूँ जिसे एक दिन आपने पांव से ठुकराया था। आज उसे सीने से लगाने के लिए बेकरार हो? बहुत तड़पाया है आपने, अब कुछ दिन मैं भी आंख में चौले खेलूंगी, सताऊंगी, चुलाऊंगी, जलाऊंगी, और फिर
दीदी। क्या बात है मुन्नी? मेरा नाम मुन्नी नहीं, गुड्डी है। अच्छा, क्या बात है गुड्डी? दीदी, तुम मास्टर जी से ज्यादा पक्की हो। अच्छा, एक बात बताओ दीदी, मास्टर जी तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर एक टांग पर क्यों खड़े हो गए थे? एक टांग पर? हाँ दीदी, मैंने पूछा मास्टर जी क्या आप ड्रिल कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ बेटे गुड्डी, मुझे 60,000 बार इसी तरह खड़ा होना पड़ेगा, वरना मेरी शादी नहीं हो सकेगी। दीदी, वो सुंदर पार्क है ना, आज 5 बजे तुम वहाँ चली जाना। क्यों जाऊँ? मास्टर जी ने तुम्हें बुलाया है। मुझे क्या पड़ी है वहाँ जाने की, चलो चलो स्कूल चलो, बैठ जाओ। अबे गधे, तेरा ख्याल है कि इतर और पाउडर लगाने से गधा घोड़ा बन जाएगा? कहाँ जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है? अबे इतवार के दिन किस गधे ने स्कूल खोल रखा है? वो आज हेडमास्टर साहब की तरफ से चाय की दावत है। चाय की दावत है? तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैंने भी बहुत दिनों से मुफ्त की चाय नहीं पी है। चल। पिताजी, मुझे याद आया, आज की दावत में चाय नहीं कॉफी होगी, और आपको कॉफी से बहुत नफरत है। बेटा, कभी कभी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाती है। ओहो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, स्कूल में किसी भी टीचर का पिता नहीं आने वाला है। हो सकता है बाकी के सब टीचर यतीम हो, मगर तेरा बाप अभी तक जिंदा है। ओफो, भगवान मान सकता है लेकिन आप नहीं माने। क्या चिल्ला चिल्ली कर रहे हो जी? चिल्ला चिल्ली, ये तू नए नए शब्द क्या याद कर रही है? मैंने तो खाली शेख चिल्ली का नाम सुना था, ये चिल्ला चिल्ली क्या उसकी बीबी का नाम है? हाय भगवान, किन बेदर्दों से वास्ता पड़ा है। खबरदार, मेरे तकिया कलाम का एक भी लफ्ज बदलने का तुझे कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तो इस घर में करवट बदलने का भी हक नहीं है, खाम खा आते जाते अपने जवान बेटे को डांटते फिरते। हाँ हाँ, डांटने के लिए तो मैं ही पैदा हुआ हूँ, तू लगा ले से गले से, ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है। थैंक यू माँ। नमस्ते जी। माफ करना आशा जी, जरा सी देर हो गई। किससे बात कर रहे हो? अरे बाबा, आपसे। आपने गुड़ी के हाथ संदेशा भेजा था यहाँ पर 5 बजे मिलने के लिए, हम हाजिर हो गए। मेरी तुमसे मिले बगैर कौन सी जान निकल रही थी? संदेशा गुड़ी के हाथ मैंने नहीं भेजा था, मुझसे मिलने के लिए तुमने भेजा अच्छा? था। अच्छा, बंसवर के क्या आई हो, मिजाज साथ में आसमान पर? क्यों ना हो, जिस भगवान ने सूरत दी है उसने मिजाज भी दिया है। हाँ, तो भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही? मेरा मतलब है, अगर इत्तेफाक से अच्छी सूरत पाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं आते जाते को काटती फिरो। क्या कहा? दांतों तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी, खा जाएगी मुझको ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना, दांतों तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी, खा जाएगी मुझको ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना। फूलों का रस पी पी कर हुस्न पे रंगत आई है, आंख में फितने चाल कयामत, शोख तबीयत पाई है। नागिन जैसी बल खाती, बिजली जैसी लहराती, एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना, दांतों तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी, खा जाएगी मुझको ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना। हंस हंस के ठुकराती जा, तड़पेंगे तड़पाती जा, लेकिन ए ईमान के दुश्मन कितना तो समझाती जा। हंस हंस के ठुकराती जा, तड़पेंगे तड़पाती जा, लेकिन ए ईमान के दुश्मन कितना तो समझाती जा। प्यार खड़ा है राहों में, कब आएगी बाहों में, एक हसीना लगा है जिस
सिर्फ 19 से ऊपर एक महीना, दांतों तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको, ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी एक हसीना, लगा है जिसको 19 से ऊपर एक महीना, 19 से ऊपर एक महीना, 19 से ऊपर एक महीना। मिस्टर ये गलती खा गए। क्या? मेरी उम्र एक महीना कम 19 है, 19 ऊपर एक महीना नहीं। अरे फिर तो फायदा ही हुआ, तुम्हारी जवानी की उम्र का एक महीना और बढ़ गया। हटो हटो, मेरा बॉस आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, तुम मुझे जानती हो? जी हाँ, मैं शायद तुम वो लड़की हो जिसे मैंने अपने दफ्तर में सेक्रेटरी की जगह दी है। तुम्हारा नाम आशा है ना? यस बॉस। काम कब शुरू करोगी? पहली तारीख से। वेरी गुड वेरी गुड। कौन हो तुम, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसी रोनी सूरत क्यों बना ली? तो क्या करूं, हमसे छोरी छुपी तुमने नौकरी भी कर ली। मेरी नौकरी करने से तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तनख्वाह तुम्हें तो नहीं देनी पड़ेगी। तनख्वाह की बात थोड़ी है, मुलाकातों में तो फर्क आ जाएगा, ये क्या कम तकलीफ है? सुबह शाम तो दफ्तर नहीं लगता। यानी कि चांस है, मुलाकातें हुआ करेंगी अगर जी चाहे तो। अरे ये तो ये चाहता है साया की तरह तुम्हारे साथ लगा रहूं। तो क्या शुभ समाचार चुप रह कर सुनाया जाता है? देख देख तार आया तार। तार? कोई आ रहा है? अरे वो आ रहा है। वो कौन? हेलो, उल्टी खोपड़ी वो का मतलब भी नहीं समझती, हमारा प्रेम आ रहा है। प्रेम आ रहा है? कब? क्या आज? आज 3 बजे। ऐसे अमेरिका से बम्बई आए हुए तो उसे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? बम्बई ने उसे क्या कहा? उल्टी खोपड़ी, बम्बई यहाँ से 120 मील है और मैं अंतर्जामी तो हूँ नहीं कि इतनी दूर का हाल तुम्हें यही बता दूँ। देखो उल्टी सीधी बात मत पूछो, मेरा प्रेम अमेरिका से सिर्फ डिग्री लेकर ही नहीं आ रहा बल्कि साथ में 2000 रुपए की नौकरी भी लेकर आ रहा है, और वो भी इस शहर की किसी फैक्ट्री में। बेटा ये सब तेरे भाग्य का प्रताप है, अंदर जाकर कपड़े बदल, कहीं प्रेम आकर ये ना समझे कि हमने उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी की परवाह नहीं की। तो अरे ओ लाला जी, अपने दामाद के स्वागत से पहले आप अपने बाल तो कटवाइए और दाढ़ी भी साफ करवाइए। हाँ, और सीता तुम प्रेम के लिए जरा पराठे तैयार करो, वो बेचारा डबल रोटी खा खा कर तंग आ गया होगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, और जाओ जाओ हजाम के पास जाओ, और तुम रसोई घर में जाओ और पराठे बनाओ और प्रेम के स्वागत की अच्छी तरह तैयारियां करो। है जापान से प्रेम, तू हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? जो मजा गले मिलने में है वो हाथ मिलाने में नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये बता तू 4 दिन बंबई में क्यों ठहर गया? इतने लंबे सफर के बाद आराम की भी तो जरूरत थी। आराम तो घर में भी मिल सकता था। घर घर होता है, होटल होटल होता है। जरा मेरा सामान बाहर से ले। तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये तुम्हारे ससुर हैं। ओ हेलो, फिर भी सामान लाने में क्या हर्च है? बाहर के मुल्कों में बड़े बड़े लोड अपना सामान खुद उठाते हैं, मगर यहाँ बच्चों का बोझ बाप को ही उठाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। सीता, ओ सीता। प्रेम आ गए बेटे। हेलो भाभी। तू तो वैसे का वैसा ही। हाँ, ये क्या कर रही हो भाभी? न जाने कौन कौन से मुल्कों का पानी पीकर आया होगा, कैसे कैसे लोगों की दृष्टि लगी होगी, मैं तेरी नजर उतार। ओह भाभी, ये घी की बदबू। बस बस, ये कौन है जिसने आपकी मुमताज पकड़ी? ये तुम्हारी शोभा है जिसका स्वर तुम्हारे चरणों में।
लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी बातें कहां शोभा देती है भैया। मेरा सामान ऊपर ले आ। पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, सर सातवें आसमान पर है। अगरबत्ती को धुआं और घी की सुगंध को बदबू कहता है। यही डिग्री लेकर आया है अमेरिका से। अरे उल्टी खोपड़ी, तू क्या समझती है कि हमारा प्रेम बदल गया है? वो तो जिस तरह अमेरिका वाले चुपके से कहीं एटम बम छोड़ देते हैं, उसी तरह वो भी एक एटम बम छोड़ गया है। वो तो हमें छेड़ने के लिए नाटक कर रहा है। भगवान करे ये नाटक ही हो। ओहो, तुझे विश्वास नहीं आ रहा ना? मैं अभी उसे कान से पकड़ कर नीचे लाता हूँ। देख, ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, दरवाजा बंद हो गया। सेक्रेटरी? यस सर। प्लीज कम इन। यस सर। कम इन। आशा, सिट डाउन। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टी शर्ट है वो। बट व्हाई दिस? मैंने सोचा आपने शायद चिट्ठियां डिक्टेट करवानी हो। यू आर अ टिपिकल सेक्रेटरी। क्या चिट्ठियां डिक्टेट करवाने के सिवा और कोई काम नहीं हो सकता? और काम कहिए। तुम जानती हो तुम्हारा होता क्या है? जी, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल का मतलब? जी, पर्सनल मीन्स अपना, माय ओन। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए नया हूँ, तुम मेरे लिए नई। मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक काम, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा। तुम पढ़ी लिखी कहाँ थे? जी, किसी मजबूरी की वजह से बीए पास न कर सके। ओ, समझ गया समझ गया। जिस कॉलेज में तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पढ़ती हो, उस कॉलेज का रिजल्ट 100% दिल नहीं होता। जी, मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती थी। थैंक गॉड, अगर मिला जुला कॉलेज होता तो कई लड़के जान से गए होते। मेरा ख्याल है आज टिकट करवाने के लिए कोई चिट्ठी नहीं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। चल, कॉफी तो पी के जाओ। जी नहीं, मैं घर से खाना खा कर आती हूँ। कॉफी ना सही, कोल्ड ड्रिंक ही सही। कम ऑन ना। Don't be shy. Have it. Oh, I'm so sorry. कोई बात नहीं। No, my mistake. Please, my mistake. Allow me. Don't bother. Please, क्या? Oh, sir, factory के बाजू का गोडाउन का पीछे के गैरेज का तभी थोड़ा सा आग लग गया। तो फिर यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और फायर ब्रिगेड को फोन करो। Yes, sir. और सुनो, आइंदा अंदर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक दिया करो। Na 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 na. Hey Shaba, bottle kyun chheen li? Khud peena chahti hai kya? Bhagwan ke liye ye zeher mat pijiye. Tum isse zeher kehti ho? Ye amrit hai, amrit. Government ne ise peene ke liye mujhe permit de rakhi. और कहा पियो, खूब पियो। कुछ भी हो, नशा नशा होता है। ये आदत आपके दिलो दिमाग को खोखला कर देगी। तू क्या प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट से आई है? इस दुनिया में शराब से बढ़कर कोई चीज नहीं। लाओ मेरी बोतल। आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी चली जाओ, बनारस का टिकट ले लो, हर त्योहार चली जाओ, और जी चाहे तो बताओ टिकट शमशान भूमि को चली जाओ। वह तो एक दिन जाना ही है, लेकिन आप तो कंधों पर जाऊंगी। मरने के बाद भी मुझे ही तकलीफ दोगी? क्या हो गया है आपको? हर देश जाने से पहले तो आप मुझे अपनी आंखों पर बिठाते थे।
कहा करते थे कि हम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। हमें कहे कि आपको मुझसे नफरत कैसे हो गई है, आप बताए क्यों गए? दुनिया में वक्त के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। इंसान जब पैदा होता है तो वो बच्चा कहलाता है, बड़ा होता है तो नौजवान कहलाता है। रातें बदलती हैं, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, मगर तू नहीं बदले। और बदले भी कैसे, पत्थर छूटे। काश मैं पत्थर ही होती, न मेरा दिल होता, न मेरी भावनाएं होती, न इस दिल में कोई सुइयां चुभता। समझा समझा, आज तू इतना बोल क्यों रही है? जरूर मुझसे चुप कर दो, अगर तुमने भी पिए होंगे। भैया और भाभी अभी तक नहीं सोए हैं, अगर उनके कानों में ऐसी बातें पड़ गई तो उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। मैं तो पराए घर से आई, लेकिन वो तो आपके माता पिता समान है, उनकी सारी आशाएं तो आप ही के साथ है। देखिए देखिए, मेरे लिए न सही, उनके लिए ही ये बुरी आदत छोड़ दीजिए। ना मेरी बात नहीं होगी, अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे तो मैं जहर आपको हरगिज़ नहीं पीने दूंगी। कैसे नहीं पीने देती? ना मेरी बात ना जाने से धर्मशाला की घंटी मेरे गले कैसे पड़ी। चल ये क्या देख रहा हूँ मैं? भैया ये बला मेरे गले चुंडा दी है आपने, गर्दन से पकड़ कर इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा ना कहो बेटी। तुम कौन होते हो मुझे बेटा कहने वाले? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। चलो तू ठक भी मुझे हाथ मत लगाओ। मेरे बुढ़ापे की लाज रख लो, अब शोभा का इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। बीवी बनाकर न सही, दासी बनाकर ही मेरे को। 100-200 रुपए में तुझसे ज्यादा खूबसूरत नौकरानी आ सकती है। प्रेम नशे में घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। ये घर शोभा का है, अगर तुम्हें शोभा पसंद नहीं तो तुम जहां से जा सकती हो वो नहीं जाएगी। ओके, हम घर छोड़कर चले जाएंगे, होटल में नवाब बन जाओ। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा है, परदेसी तो हम लोग हैं, जो कोई बोता है वही काटता है। तो मैंने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। चलो बेटी शोभा, चलो। लेकिन पिताजी जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाएगी। कुटी लाला जी ठहरिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो सीता। नहीं नहीं द्वारका बाबू, हमारे कारण भाई से भाई क्यों बिछड़े? लेकिन लाला जी अगर आप भी चले गए तो इनकी देखभाल कौन करेगा? बचपन से अब तक ये आपके हाथों में पले बड़े हैं, आप इनकी माँ समान है दीदी। बच्चे की हर भूल माँ को तो माफ करनी ही पड़ती है। कौन माँ, कैसे बाप है? जीवन भर जिसे अपने हाथों दूध पिलाया, आज वो खून पीने पर तुल पड़ा। नहीं दीदी ऐसा ना कहो, ये सब मेरा दुर्भाग्य है। भगवान ने अगर मेरी किस्मत में विरह की घड़ियां लिखी है तो दीदी किसी दिन मिलन की घड़ी भी लिखी होगी। आज्ञा दो दीदी। बेटी किस अरमान से तुझे इस घर में लाया था और आज किस हाल में तुझे यहाँ से निकलते हुए देख रहा हूँ। चलो बेटी शोभा, चलो बेटी। जल्दी जा, अपना गाड़ी खींच जाए। गुड नाइट। जी हाँ मैं। यहाँ किस लिए आए हो? प्यासा को उसके पास किस लिए आता है? तो फिर कैसी बातें करो? मैं ये कहूँ कि ये टाइपराइटर बहुत खूबसूरत है, ये रिबन किस कंपनी का, इस पेपर का भाव क्या? चुप्पी करते हो या मुझे नौकरी से निकलवाओगे? ए अभी तो नहीं, लेकिन शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त तो जाओ।
तुमसे कहा था ना, जब भी मिलना हो तो 5 बजे के बाद मिला करो। तुमने तो कहा था लेकिन मैं क्या करता। देखो ना, आज सुबह सुबह स्कूल के हेडमास्टर का बूढ़ा बाप मर गया, इसलिए स्कूल में छुट्टी। अगर 5 बजे के बाद मरता तो क्या होता? ये तो मरने वालों की मर्जी। बोलो, बोलो। मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, आज के दिन छुट्टी ले लो, बाहर मौसम बहुत रोमांटिक है, जरा घूमेंगे फिरेंगे। अब जाओ भी ना। अरे बाबा जाता हूँ जाता हूँ, जरा प्यार से तो बोलो, धक्का मारने की क्या जरूरत है। मेरे बॉस के आने का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे 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 प्रेम, वाह बेटा, कल का खरगोश आज ये था। बॉय। यस सर। जो साहब बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए। आपको मैनेजर साहब ने अंदर बुलाया। मुझे? जी हाँ। शट द डोर। अरे पहलवान क्या हाल चाल है? अरे मुंह क्या बना रखा है? बाहर में तेरी आवाज सुनकर इसलिए खामोश रहा कि तू अरे बरे कर रहा था। दफ्तर वालों के सामने असली का रोक तो रखना पड़ता है ना, ना रखे तो दफ्तर वाले भी तू तड़ाक से बात करना शुरू करते। अच्छा ये बात है, तो और क्या मेरी जान? अच्छा बता क्या पिए? बताओ। एक ग्लास ठंडा पानी पिला दे यार। अरे अभी तक ठंडे पानी पियो, ठंडी बियर पियो और गर्मी का इलाज करो। नहीं नहीं यार, ये सब चीजें तुम्हें मुबारक हो। अच्छा यार क्या याद करोगे आज तुम्हारी खातिर, हम भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। थैंक यू। अच्छा उनका क्या हाल है? किनका? अरे वही यार, किन गधों से वास्ता पड़ा है। अच्छा तो आप हमारी पिताजी की बात कर रहे हैं? अरे वक्त के साथ साथ वो तो बूढ़े हो गए लेकिन अब तक उनके गधे जवान। अच्छा ये बता आजकल कामकाज क्या कर रहे हैं? एक कॉन्वेंट स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर। फिजिकल इंस्ट्रक्टर क्या? ये कहो कि ड्रिल मास्टर हूँ। अरे यार कुछ भी हूँ लेकिन नौकर तो नहीं, मास्टर हूँ मास्टर। क्या फर्क है नौकरी? मेरी बात सुन, रिजाइन। रिजाइन? रिजाइन। सेक्रेटरी। यस सर। प्लीज कम इन, मेरे यहाँ एक सुपरवाइजर की जगह खाली, करोगे? देखिए और पूछ पूछ। निशाशा, वो जो हमारे यहाँ सुपरवाइजर की जगह खाली है उसके लिए मिस्टर अमर कुमार के नाम का एक अपॉइंटमेंट लेटर बना दे। नमस्ते। तुम तो हमें दफ्तर से निकाल रही थी, देखा हमने दफ्तर पे कब्जा कर दिया। ए मिस्टर अमर कुमार, तुम सिर्फ ऑफिस के सुपरवाइजर हो। शी इज माई पर्सनल सेक्रेटरी, वेरी पर्सनल। पहले झुक कर करो सलाम, फिर बतलाओ अपना नाम, अदब से बोलो क्या है काम, ओम मिस्टर गुलफाम या ललू। पहले झुक कर करो सलाम। सवेरे में
भगवान का प्रसाद। जिस भगवान ने घर से बेघर कर दिया हो उसका प्रसाद क्या खाना। बेटी, दुख के दिनों में भगवान को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और मानना चाहिए। कौन जाने कब उसकी दया का भंडार खुल जाए। ये लो, तुम लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ। अरे लाला जी, आप यहाँ? कौन रामदास जी? नमस्ते। लाला जी, जी आपने गांव क्या छोड़ा, भूल कर आने का नाम भी ना लिया। रामदास जी, गांव छूटा सो छूटा, अब तो दुनिया छोड़ने को जी चाहता है। जी आप क्या कह रहे हैं, चलिए मेरे साथ। कहाँ? मेरा अपना मकान है यहाँ, जो खाली पड़ा रहता है। मैं तो कभी कभी नासिक से एक आध रोज के लिए आता हूँ, चलिए। लेकिन मैं अपनी बेकसी का बोझ आप पर क्यों लादूं? लाला जी, कमाल करते हैं आप, दुख दर्द में आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। चलिए मेरे साथ, चलिए, चलो बेटा। रामदास जी, आप सचमुच भगवान का रूप लेकर आए हैं। चलिए गुड्डी, चलो बिटिया। चलो ना दीदी। दरवाजा खोलने में घर तो लगता है क्या? आओ डिनर का। वही भिंडी, वही बैगन। ब्रदर! ओ ब्रदर, क्या बात है? ब्रदर, इस बावर्ची को बंद। ओ आई एम सॉरी ब्रदर, ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन हिंदुस्तान की सोसाइटी में बीवी और बावर्ची में क्या फर्क होता है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी बीवी ढूंढ कर लाता हूँ, जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैंने आज तक शराब पिए हुए लोगों को अपना आप भूलते हुए देखा है, लेकिन माँ बाप और बहन भाई के रिश्ते को भूलते हुए कभी नहीं। आप क्या कर रहे? इस वक्त प्रेम नहीं, नशा बोल रहा है। मुझे इसका नशा उतार दे तो सीधा। आज इसने तुझे बावर्ची बनाया, कल ना जाने क्या बना देगा। मुझे इसका गला घोट देना चाहिए, इसका गला। होश में आई? होश में तो आ चुका हूँ। जिस भाई के लिए उम्र भर हमने खून पसीना एक कर दिया, आज वही भाई हमें जूते मार रहा है। सीता, क्या क्या अरमान थे हमारे, क्या क्या आशाएं थी कि ये बड़ा होगा, पढ़ लिख कर कमाऊ बनेगा, बुढ़ापे में सुख की चारगलियां हम भी देखेंगे। अब पछताने से क्या होता है, जो किसी के नसीब में होता है वही उसे मिलता है। आज आप इस पर हाथ उठाएंगे, एक भली बुरी कहेंगे, चार सुनेंगे। अब तक बात घर की चार दीवारें में है, फिर बाहर फैल जाएगी। बदनामी भी कैसे क्या परवाह, बदनामी से तो वो डरता है जिसे अपनी इज्जत का पास हो। तो फिर मैं क्या करूँ, अपने गले में रस्सी डाल लूँ, तुझे फांसी दे दूँ, बता मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। छाती पीटने और माथा कुटने से क्या हो, जिस आंगन के पेड़ में छाया नहीं उसे काटे क्यों, देखिए। छाती पर ये पत्थर रखने की शक्ति है तुझमें। माँ एक सपूत को जन्म भी दे सकती है और कपूत से मुंह भी मोड़ सकती है। चलिए, जैसे आज से कई युग पहले भी एक बड़े भाई ने बनवास लिया था। चल। We are children come to see. दीदी, अच्छा दीदी। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ दीदी, अब हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। अच्छा? हाँ, तुम हमारा घर नहीं देखोगी, मैं तुम्हें अपनी शोभा दीदी से मिलाऊंगी। वहाँ जाना दीदी। हाँ दीदी, शोभा दीदी, शोभा दीदी, देखो तेरे लिए नई दीदी लाई हूँ, टाइप वाली दीदी। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये गुड्डी तो सदा आपके ही गुण गाती रहती है। एक दो बार खिड़की में आपको देखा है, लेकिन मुझे ये न मालूम था कि गुड्डी आपकी छोटी बहन है। और कौन कौन रहता है इस घर में? बाबा, दीदी और मैं। पहले तो हम बहुत बड़े घर में रहते थे, लेकिन हमारे जीजा जी की अक्ल खराब हो गई, उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बहन, क्या शादी के बाद पति से तुम्हारा निभा नहीं हुआ? अपना अपना भाग्य है बहन, कुछ तो बता। औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। रहने दो बहन, जख्मों को क्यों कुरेदना। तुम्हें क्या पता मेरे मन में भी कितने घाव हैं। हम दोनों में और न सही, दुख दर्द का तो एक रिश्ता हो सकता है। बेटी, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है।
शोभा का संसार बड़ा हरा भरा था। इसके पति इस पर जान छिड़कते थे, लेकिन वो समिंदर पार की हवा खाकर क्या है, शोभा उनकी नजर में कांटा बनकर खटकने लगी। बहन, मेरे प्यार को वो ढकोसला, मेरी पूजा को वो बनावट और मेरी तपस्या को वो दिखावट समझते लगा। शोभा, आंसुओं से जख्म भरते नहीं और हरे हो जाते हैं। तुम्हारे पति काम कहाँ करते हैं? वो आरके मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करते। आरके मेहरा इंडस्ट्रीज में क्या काम? वो वहाँ के मैनेजर है। उनका नाम? प्रेम कुमार। May I come in, please? Yes, come in. My, my. You're looking wonderful. क्या बात है आशा, आज बड़ी खिलखिली सी नजर आती हो। कोई खास बात नहीं, वही तो हूँ। नहीं, आज तो तुम्हारी आंखों में हया की जगह शोही ने ले ली है। आप तो यूं ही मेरी तारीफ करते हैं सर। क्या है? लीव लेटर। लीव लेटर? मुझे आज के दिन की छुट्टी मिल सकती है। क्यों, क्या तबीयत खराब है? दिल कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? दिल ही तो है, रोज सुबह दफ्तर आना, शॉर्ट हैंड के नोट्स लेना, टाइपराइटर पर उंगलियां मारना और शाम को थक थका कर घर लौटना, ये भी कोई जिंदगी है? आशा, जो बात आज तुमने अपने बारे में कही है इसे मैं कई दिनों से कहना चाहता था। जानती हो, बाहर के मुल्कों में लोग सैटरडे संडे शहर के हंगामे से दूर वीकेंड मनाने चले जाते हैं। आज मेरा भी यही मूड है। कहाँ जाने कह जाता है? कहीं भी। अकेले? और मेरे साथ जाने वाला कौन है? एक मैं हूँ और मेरी तन्हाई। मैं चलूँ? आप? क्यों? आपका तो दफ्तर है। तो तुम्हारा दफ्तर नहीं। मैं तो आपसे छुट्टी ले रही हूँ। जब मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ तो क्या आपने आपको नहीं दे सकता? आपको तकलीफ तो होगी। मुझे तो ये शिकायत है आशा, ऐसी तकलीफ तुम बहुत दिनों के बाद दे रही है। अच्छा, तो फिर मैं दो चार जरूरी चिट्ठियाँ टाइप करा फिर चलते हैं। चिट्ठियाँ कैमरा टाइप नहीं कर सकता, उसे किस बात के 5 रुपए देते हैं? चल। अमर, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आशा के टेबल पर चंद एक चिट्ठियाँ पड़ी हैं, उन्हें टाइप कर देना। कब आए? आओ आशा। मगर मेरी साइकिल का क्या होगा? साइकिल? ओ आई सी, ड्राइवर सुना, आशा का साइकिल शिखर पे छोड़ा ना। ओके, और हाँ, ये लो तुम भी रास्ते में खाना खा लेना। कम ऑन। सुनो ड्राइवर, पिताजी तो वहाँ नहीं होंगे, माताजी होंगी, उनसे कह देना, उनका नाम है मिसेज राम प्रसाद, मकान नंबर 15 गांधीनगर। जी, चलो आशा। क्या राम प्रसाद जी की पत्नी का यही घर है? जी हाँ, यही। क्या बात है? क्या बात है? क्या आप ही आशा की माता जी हैं? जी, कुशल तो है। सब कुशल है, मैं आशा के दफ्तर का ड्राइवर हूँ, आशा ने ये साइकिल भेजा है। वो खुद कहाँ है? वो जरा देर से घर पर आएगी। आप सर ये साइकिल अंदर रख देंगे? जी जी। नहीं, वो दफ्तर के मैनेजर के साथ उसकी गाड़ी में बाहर गई। मैनेजर के साथ? क्या उसके बाल बच्चे भी साथ थे? बाल बच्चे? जिस आदमी ने अपने घर की देवी को ठुकरा दिया हो, उस आवारा और शराबी का बाल बच्चों से क्या वास्ता हो सकता है? देखिए, छोटा आदमी हूं, बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जवान लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। लड़की आपकी हो या मेरी, बेटियां सबकी एक ही जैसी होती है।
निभाया। दिल को एक खिलौना समझा, खेला और ठुकराया। किसने साथ निभाया, कहाँ के ये वादे ये कसमें, कहाँ की कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। झूठी नगरी झूठे जोगी, प्रीत भी सच्ची कैसे होगी। अच्छा ढोंग रचाया, किसने साथ निभाया। दिल को एक खिलौना समझा, खेला और ठुकराया। किसने साथ निभाया। आशा, आशा तुम क्यों सहमी हुई हो? नहीं तो अमर के बारे में सोच रही हूँ। बस यही ख्याल आ रहा है कि इतना अच्छा लड़का इतनी जल्दी गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ा। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है आशा, हो सकता है वो बेचारा किसी मकार लड़की की मोहब्बत का शिकार हो चुका हो। मोहब्बत में ठुकरा हुआ आदमी दूसरों का प्यार भी नहीं देख सकता। मोहब्बत में ठोकर खाकर अगर एक लड़के की ये हालत हो सकती है तो उस लड़की के दिल का दर्द क्या होगा जिसे छूटे बाग दिखाकर कोई लड़का ठुकरा दे। आशा तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, तुम समझती हो मेरा प्यार एक फरेब है, मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। अगर तुम मुझे शक दूर करना चाहती हो तो हाँ कहो, मैं कल ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? मैंने तो सुना है कि तुम किसी के हो चुके हो और तुम्हारी बीवी भी है। बीवी? बीवी नहीं है, जबरदस्ती की जंजीर है जो मेरे पांव में पहना दी गई है। मैंने तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और 6-7 महीने में मैं इन सब बंधनों से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन तब तक हमारा रिश्ता क्या होगा? बताऊं? तब तक हम प्यार के पंछी, उसके बाद हम गृहस्थ के पंछी। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। क्या करती हो आशा, मुझे सिताने में तुम्हें क्या मजा आता है? आशा ये भी क्या बात हुई, मैं जितने तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ तुम उतना ही दूर भागती हो। कल मेरे घर क्यों नहीं आते? क्यों, कल कोई खास बात है? हाँ, मेरी सालगिरह है। फिर तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। अगर बहुत सारे लोग होते तो तुम्हें क्यों बुलाती? लेकिन तुम्हारे माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार भी तो होंगे। सिर्फ माँ ही तो है और माँ मेरी आजादी में कभी दखल नहीं देती। ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। गुड्डी अब बताओ तुम्हारी दीदी कैसी लग रही है? आशा दीदी तुमने तो शोभा दीदी को भी अपना ही जैसा बना दिया। मैं आशा दीदी जैसी लग रही हूँ ना गुड्डी? मुझसे क्या पूछती हो दीदी, दर्पण देख लो ना। बाबा 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 जल्दी आओ ना बाबा। क्या है गुड्डी? बाबा इन दोनों को देख कर ये बताओ कि शोभा दीदी कौन सी है और आशा दीदी कौन सी है? बेटी आशा तुमने तो शोभा की काया ही बदल दी। बाबा जीजा जी आएंगे, शोभा दीदी को देखेंगे और देखते ही आइसक्रीम हो जाएंगे। तुम्हारा शरीर हो गया कुट्टी। बेटी आशा भगवान तुम्हारा भला करे, इतने दिनों के बाद मैंने शोभा के होठों पर मुस्कान देखी है। ये मुस्कान क्या रंग लाएगी ये तो भगवान ही जानता है। मुझे तो डर सा लग रहा है। चाचा जी डर किस बात का, शोभा के उजड़े हुए जीवन को बसाने का एक यही रास्ता है। शोभा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, उस पर विश्वास रखिए। आशा क्या है माँ, कुछ तो होश कर, किसी के टूटे हुए दिल से इस तरह क्यों खेल रही है? माँ दिल तोड़ना मर्दों का खेल है, लेकिन बेचारी औरत उम्र भर क्यों रोती रहे? किसी न किसी को इस खेल का खात्मा करना ही होगा। चुप रह, ये भी क्या तरीका हुआ,
जब उल्टे आदमी सीधी तरह रास्ते पर ना आए तो फिर उल्टी चाल से ही अपना मतलब निकालना चाहिए। हाय। वक्त से पहले ही आ गए। क्या करता, आज वक्त भी थम थम कर गुजर रहा था। जुदाई का दिन लंबा होता है और मिलन की रात छोटी। आप तो शायरी करने लगे, आइए चल। ब्यूटिफुल लवली। हुस्न वालों को घर सजाने का सलीका भी होता है। आप तो खामखा मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हैं, मामूली सा घर तो है। तुम्हारे हुस्न की परछाई से मामूली चीज भी खास हो जाती है। अच्छा जरा आंखें बंद करो। क्यों? करो ना, बाद में बताऊंगा। कहिए। अब आंखें खोलो। ये क्या? तुम्हारी सालगिरह पर प्यार का नजराना। ये तो बड़ा तकल्लुफ किया आपने, फूल ले आते। फूल को फूल पेश करके मैं फूल की तोहीन नहीं करना चाहता। तुम्हारे रुखसारों की छांव में ये मोती भी फीके लग रहे हैं। डिनर लगा दो। डिनर? क्या मैं डिनर खाने आया हूँ? मैंने तो आपको खाने पर ही बुलाया था। पहले हम पियेंगे इन आंखों के मैखाने से। आशा, आज रात इतनी पिला दो कि जिंदगी भर की प्यास बुझ जाए। इतने प्यासे हैं तो जरा सब्र कीजिए, मैं अभी आ। चलो शोभा, वो बेचारा प्यासा बैठा है। कौन? वो कुमरा, तुम्हारा पति। मुझे डर लगता है। डर नहीं, शर्म कहो। ये क्या है? ये वासना से भरे हुए छूटी मोतियों की माला है, लेकिन इस माला के मोती तुम्हारे गले में आकर सच्चे हो गए हैं। अब चलो चलो। आशा, अंधेरा कैसे हो गया? उजाले में मुझे शर्म आती है। जरा अपनी लाज भरी अखियां हमें भी तो देखने दो। नहीं नहीं, हाय, अब तो अंधेरा भी प्यारा लगने लगा है। सच पूछो तो उजाला तुम्हारी प्यार भरी बाहों में है। शबे वस्त्र की चांदनी कह रही है, कहो तो सितारों की शमे बुझा दे। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। कुछ रंगीन इरादों की कर भी दे तस्वीर मुकम्मल, चंद अधूरे वादों की। आज है रात मुरादों की, कुछ रंगीन इरादों की कर भी दे तस्वीर मुकम्मल, चंद अधूरे वादों की। आज पिला दे साकी अपनी आंखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। सर्द है मौसम जोश में आ,
लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ, सर्द है मौसम जोश में आ, लहरा कर आगोश में आ, छेड़ के नगमा बेहोशी का, ये मत कहना होश में आ, आज पिला दे साथी अपनी आँखों के मैखाने से, होठों के पैमाने से। सॉरी मैडम, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। क्या अमेरिका में 10:05 को 10 कहते हैं? सॉरी सर। सर नहीं मैडम कहो। सॉरी मैडम, दरअसल आज आँख जरा देर से खुली थी। क्यों, तुम रात भर सोए नहीं? मैडम, इस बात का पता मुझसे ज्यादा आपको होने। हम दफ्तर का हिसाब रखते हैं, किसी के सोने जागने का नहीं। मिस्टर प्रेम कुमार जी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शिकायतें। कैसी शिकायतें? सुना है आजकल तुम किसी लड़की के साथ बहुत घूमते फिरते हो। जी सॉरी मैडम। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? जी वही मेरी सब कुछ है। तो फिर उस लड़की की कुछ शर्तें हैं। टेक नोट्स। यस मैडम, लिखवाइए। तुम्हें शराब बहुत पसंद है और उस लड़की को शराब से सख्त नफरत है। सख्त नफरत है। उस लड़की को पाने के लिए तुम्हें शराब छोड़नी होगी। छोड़ सकते हो? शराब तो क्या, मैं आपके लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए नहीं, उस लड़की के लिए। उस लड़की के लिए। अभी लिखिए। Very good. That's. अब दूसरी शर्त। दूसरी शर्त? सुना है कि तुमने अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकाल रखा है। जी। तो उन दोनों को इज्जत के साथ अपने घर में रखना पड़ेगा। रखोगे? जी। Very very good. अब तीसरी शर्त। तीसरी शर्त? वो लड़की नाजुक बदन भी है और नाजुक मिजाज भी। जी, उसी नजाकत पर तो हम भी मरते हैं। फूल को मसलना नहीं चाहिए, सर आंखों पर बिठाना चाहिए। तुमने उसके हाथ क्यों जख्मी किए हैं? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं अपना हर कसूर मानता हूँ। आइंदा ऐसा हाथा भाई कभी नहीं करूँगा। अच्छा, ये शर्तें जो मैंने लिखवाई है टाइप करके ले आओ। अभी करता हूँ। अगर वो शर्तें मान जाऊं तो क्या वो लड़की मेरी हो जाएगी? वो तो कब की तुम्हारी हो चुकी है।
आशा। अमर क्या स्कूटर बिगड़ गया है? स्कूटर नहीं बिगड़ा, तुम्हारा दिमाग बिगड़ा और अब तुम्हारी तकदीर भी बिगड़ने वाली। उतरो गाड़ी से, आज फैसला हो ही जाए। किस बात का? हम दोनों में से किसकी मौत लिखी? प्रेम कॉलेज में तुम एक भेड़ थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त के साथ साथ तुम एक भेड़िया बन जाओगे। तुमने एक मासूम लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। दो दिलों की बात में दखल देने वाले तुम कौन होते? बताओ मैं कौन होता हूँ? मैं आशा को चाहता था, आशा मुझे चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के होने की कस्में खाई थी, बीच में तुम अटक गए। तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर एक गरीब दोस्त की मोहब्बत का मजाक उड़ा। क्या कर रहे हो यार तुम दोनों? वाह भाई वाह, शक्ल से तुम दोनों शरीफ आदमी नजर आती हो, फिर रात चलती सड़क पर अपनी इज्जत का नीलाम क्यों कर रहे हो? अगर तुम दोनों की आपस की कोई दुश्मनी है तो घर जाकर फैसला करो, दुनिया को तमाशा क्यों दिखाते हो? अरे कौन दुनिया को तमाशा दिखा रहा है? एक छोटी सी जिंदगी में जब प्यार के लिए फुर्सत नहीं मिलती तो फिर दुश्मनी है क्या मतलब? बैठ जाओ। रमेश तुम्हारी मौत मेरे हाथ में, तो तुम्हारी अर्थी को कांधा भी मैं ही दूंगा। आशा उस समर के बच्चे को मैंने नौकरी कह दी कि सुबह शाम की मुसीबत मोल ले ली। अब कोई नई बात हुई क्या? नई क्या और पुरानी क्या, वो तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया है, और तो और उसे ये भी दावा है कि तुम भी उसे प्यार करती हो। प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। तो फिर वो जासूसों की तरह हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जानती हो आज सड़क के बीचों बीच उसने गाड़ी रोक ली। तुम वक्त इतना भी नहीं जानता कि मेरे एक ही शायद से भूखा मरेगा, मैं उसे आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं, ये रहा मेरा इस्तीफा। तुम्हें अपने अफसरी का गुरूर है, इसे अपने हुस्न का। एक तरफ दिल में बेईमानी है, दूसरी तरफ चेहरे पे धोखे की मोहर। अरे जाता हूँ, लेकिन याद रखो मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और अगर मर्द हो तो अपना बचाव कर। गुड मॉर्निंग मिस्टर छोटदास। आइए आइए प्रेम बाबू, बैठिए। बॉय चाय लाओ। और सुनाइए क्या हाल है? आप सुनाइए वकील साहब, मेरे डिवोर्स का क्या हुआ? आपको केस दिए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने नहीं, 6 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन 6 महीने और 7 दिनों में क्या सीजन लगा? सीजन? जी हाँ, जैसे शादियों का सीजन होता है इसी तरह ये तलाकों का सीजन था। भगवान की दया से इन 6 महीनों और 7 दिनों में मैंने 67 घर बर्बाद किए। बॉय चाय लाओ भाई। आप 67 घरों को गोली मारिए, ये बताइए कि मेरे केस का क्या हुआ? अजी आपका तो बड़ा सिंपल सा केस है। केस तो मेरे छोटे भाई का, उसकी शादी हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे और 6ठा महीना पूरा होते ही उसके घर बच्चा पैदा हो गया। गोरा चिट्टा 9 पाउंड का बच्चा। बॉय चाय लाओ भाई। अब आप ही सोचिए मेरे भाई के दिल पर क्या गुजरी। मिस्टर रणछोड़ दास, मैं आपके तलाक के बारे में रोने आया हूँ, आप है कि अपने घर के रोने नहीं बैठे? प्रेम बाबू वकील के सामने जरा सबर से काम लेना चाहिए। बॉय चाय लाओ। अच्छा आप बताइए, आपकी बीवी शोभा को आपसे अलग हुए कितने महीने हुए? 7 महीने। 7 महीने, मुबारक हो। बॉय चाय लाओ चाय। आपकी बीवी शोभा 3 महीने से गर्भवती। व्हाट, शोभा गर्भवती है? हाउ कैन दिस बी? व्हाई नॉट, भगवान जब संतान देने पर आता है तो फिर इंसान क्या कर सकता है। अपनी बात तो बन गई ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? प्रेम बाबू मैं वकील हूँ, कोई छाबड़ी वाला नहीं। अबे उल्लू के पट्टे चाय लाओ ना। जब तक केस को पुख्ता ना कर लूं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा। शोभा गर्भवती और क्यों ना हो, रात को 11-11 बजे तक किसी अमीरजादे की गाड़ी उसके दरवाजे के आगे खड़ी रहे। तो फिर वकील साहब अब तो तलाक के बारे में कोई कसर बाकी नहीं रही, जल्दी से मामला निपटाइए ना। जी मामला तो निपट ही गया, कम से कम आप मेरी मेहनत की दाद तो दीजिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन वकील साहब जी आप तो चाय पिलवाइए। चाय नहीं आई? आपने नहीं पी? नहीं। शोभा रो नहीं शोभा, क्या बनेगा मेरा, दुनिया के ताने सुन सुनकर जिन्ने से तुम मर जाना चाहे। तुमने कोई पाप तो नहीं किया, और फिर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। बेटी तुम क्या कर सकती हो, ये दुनिया की रीत है, कोई करे और कोई भरे। जैसा पेड़ वैसी छाया, पाप का पौधा मैंने बोया था और फल मेरी बेटी भुगत रही है। चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी जरूर मैंने किसी के सुख में आग लगाई होगी जो आज
मेरे पाप मेरे ही सामने आ रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं शोभा के लिए अपनी जान दे दूंगी, लेकिन शोभा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जी जी जी, कुछ सोचकर ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाला कर। मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा। प्रेम, तुम अगर शोभा को पसंद नहीं करते मत करो, उसे दोबारा बसाना नहीं चाहते मत बसाओ, मगर उस मासूम के माथे पर कलंक लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भैया, मैं किसी के नाम पर झूठा कलंक नहीं लगा रहा। बाहर जाकर सुनिए, सारे शहर में एक ही बात हो रही है। शहर वालों के मुंह में खाक शोभा ऐसी नहीं हो सकती। भाभी, चमकती हुई रेत को पानी समझना मूर्खता है। मैं जानता हूँ उसने अपनी मीठी मीठी बातों से, झूठ मूठ के बोलेपन से तुम्हारे दिल पर जादू कर रखा है। मैं प्रदेश क्या गया, उसने आप लोगों की आंखों में धूल झोंककर रंग रलियां मनानी शुरू कर दी। राम राम, क्या बकवास करता है तू? आपको क्या पता, जिसे आप पवित्रता की मूर्ति समझ रहे हैं वो गंदगी की एक जीती जागती तस्वीर है। जिसको आप लोगों ने सुहागन का दर्जा दिया वो वैश्या है, वैश्या। एक निर्दोष लड़की को घर से बाहर निकालने का तुम्हें अधिकार है क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन जब वो किसी पराये की शरण में एक साधुनी का जीवन बिता रही है तो उसके नाम पर बट्टा लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूँ भाभी, औरत औरत से की तरफदारी करेगी, औरत के ऐब हमेशा औरत ही ढंग। औरत में कोई ऐब नहीं होता, औरत को ऐब सिखाने वाले मर्द होते हैं, लेकिन लेकिन शोभा में कोई ऐब नहीं। मैं क्या वक्त इस बात का जवाब देगा? जब पाप का पौधा बड़ा होकर आप लोगों के सामने आएगा उस वक्त तो आप लोग उसे मानेंगे। गाड़ी क्यों रोकती? गाड़ी आगे नहीं जा सकती साहब। क्यों? आगे क्या रास्ता बंद है? नहीं साहब, आंखें बंद हैं। किसकी? मैनेजर साहब आपकी। क्या बकते हो? आप एक शादीशुदा आदमी हैं और आशा एक गरीब घराने की कुंवारी लड़की, आखिर आप उसे अपनी वासना का शिकार क्यों बनाना चाहते हैं? अरे बासी कुंवारी लड़कियां देखी मैनेजर साहब। आज अचानक कैसे आ गए? आशा, एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? कहिए। अंदर चलो, बताता हूँ। ऐसी क्या खबर है? ऐसी खुशखबरी है, ऐसी खुशखबरी है कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। क्या? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। बताओ। पहले ये बताओ कि खुशखबरी सुनकर हमें इनाम क्या दोगी? कुछ कहो तो सही। पहले इनाम का फैसला हो जाए। अच्छा, ये लो। बस एक रुपया, इतनी सस्ती खबर नहीं है। आई माँ। माँ बुला रही है, मैं अभी। ओहो, जल्दी आना। शोभा, क्या है दीदी? तुम्हारे पति आए हैं। घबरा क्यों रही हो? इधर आ। नहीं नहीं, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ, पहले ही बहुत डरी हुई हूँ मैं, अब तो रस्सी भी सांप नजर आती है। देखो शोभा, तकदीर भी उसी का साथ देती है जो तदबीर करता है। यही वक्त है कि जी को पक्का करके बिगड़ी बात बना सकती हो। वो अभी अभी कह रहे थे कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। चलो पहले कपड़े तो बदलो। जाओ। फिर अंधेरा कर दिया, शर्मा रही हो क्या? आशा, अब चोरी छुपे की मुलाकातों के दिन गए। आशा, अब हम खुलम खुला दुनिया के सामने पति पत्नी बनकर जा सकते हैं। आपने कहा था आप कोई खुशखबरी लेकर आए हैं, पहले वो तो सुनाइए। पहले ये बताओ कि खुशखबरी सुनकर हमें इनाम क्या दोगे? जो कुछ मेरे पास था वो तो आपको दे चुकी हूँ, वो खुशखबरी सुनाइए ना। तुम्हारी इज्जत है तो सुनो, मेरी बीवी गर्भवती है। आशा ना जाने ये पाप की कठड़ी वो कहां से उठा लाई है। ये घर रेडू सूरते अंदर से गंदगी के ढेर होते हैं। अरे आशा, तुम क्यों रो रही हो? बड़ी अजीब लड़की हो, यह खबर सुनकर तो तुम्हें खुशी से उछल पड़ना चाहिए था।
अपने आप हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, ये न्याय नहीं है, महान न्याय है। इसमें अन्याय की क्या बात है? आज तक दुनिया ये समझती थी कि पापी मैं हूं जिसने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया, लेकिन अब दुनिया को मालूम हो जाएगा घर की चार दीवारी में बैठकर एक औरत भी क्या कुल खिला सकती है। मुद्दत से पति का मुंह नहीं देखा और मां बनने चली है। लानत मुझ पर नहीं, मेरी किस्मत पर है। आशा, तू क्यों अपनी किस्मत को कोस रही है? मैं आशा नहीं, शोभा हूं, आपकी शोभा। उस रात भी मैं ही थी। उस रात भी तू ही थी? आशा मुझसे खेल रही थी, बर्बाद कर दूंगा उसको। हाँ, देखिए देखिए, आशा दीदी को कुछ न कहिए, वो बेचारी तो मेरी उजड़ी हुई बग्घिया संवार रही थी। तू मक्कार नागन बेहया, मिस्टर तमीज से बात करो। एक बदतमीज के साथ तमीज से पेश आऊं? तू समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? चिल्लाते क्यों हो? इसीलिए भिन्ना रहे हो कि मैंने तुम्हें आईना दिखाया जिसमें तुम्हें अपना गंदा चेहरा नजर आ गया। मेरा चेहरा गंदा है तो मैं तेरी जिंदगी में गलाजत भर के छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। घबराइएगा नहीं, मेरे होते हुए कोई आशा के साए पर भी हाथ नहीं डाल सकता।
समझता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरी प्यास तेरे खून से बुझेगी। दीदी दीदी बचा लो इन्हें। तुमने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, समझाओ इन्हें। मेरे साथ आखिर क्या तुम्हें? प्रेम, तेरी मौत से बहुत लोगों का भला हो सकता है, लेकिन इस बेचारी का क्या दोष? जहां तुझे छोड़ दिया सिर्फ इनके खातिर। मिस्टर, ये वही बेजबान है जिसको जीते जी तुमने मार डाला, जिसको अपनी पांव के ठोकर के काबिल न समझा, और आज ये छोली फैलाकर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रही है। प्रेम, तुम अमेरिका क्या गए, तुम्हारी आंखों पर पश्चिम का पर्दा पड़ गया। बाहर की चमक दमक ने तुझे इतना पागल बना दिया कि तुम प्यार और नफरत, असल और नकल, खुशामद और पूजा का फर्क भूल गए। तुमने अपने घर की लक्ष्मी को न पहचाना। मिस्टर, तुमने सोचा होगा कि मैं एक टाइपिस्ट लड़की हूँ, तुम्हारी अमीरी को देखकर ऐश और इशरत के धोखे में आकर फिसल जाऊंगी। तुम ये समझते हो कि हम दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां अय्याशी के लिए घरों से बाहर निकलती हैं? हम अपने गरीब माँ बाप बहनों भाइयों की जिम्मेदारी का बोझ उठाकर, हाथों की मेहंदी को त्याग कर, मेहनत और मजदूरी के मैदान में निकलती हैं। अगर तुम जैसे भेड़िए हर दफ्तर में हो तो कोई भी शरीफ लड़की भूखा मर जाना पसंद करेगी, लेकिन किसी दफ्तर में काम नहीं करेगी। अब भी समझ जाओ, पहचानो इसको, ये शोभा तुम्हारे जीवन की शोभा है। पकड़ो इसका हाथ, हिंदुस्तानी लड़की का हाथ पारस होता है, जिसे छूकर तुम भी सोना बन सकते हो। शोभा मेरे पड़ोस में रहती थी, इसके चलते हुए मन की आंच मुझ तक पहुंचती रही, इसकी आंखों का धुआं मैंने देखा, और फिर इसकी भलाई के लिए, इसका अधिकार दिलवाने के लिए मुझे इतना बड़ा नाटक रचाना पड़ा। प्रेम बाबू, रात के अंधेरे का प्यार दिन के उजाले में तुम्हारे सीने पर सांप बन के लौटने लगा। कहो, समाज की नजरों में पतित ये है या तुम? इसकी तरफ देखो, जो आज तुम्हारी वासना की परछाई का बोझ उठाए हुए हैं। धरती में नजरें क्यों काट रहे हो, जवाब दो। आशा, आशा मुझे माफ कर दो। आज तक मैं सिर्फ खूबसूरती को ही औरत समझता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे ये बता दिया कि सुंदरता के साथ साथ औरत में खामोशी से दुखों का पहाड़ उठाने की भी ताकत होती है। आज तुमने एक भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया है, और इसका एहसास है। तो जाओ, उसे स्वीकार करो। शोभा, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर। नहीं नहीं, कोई पत्नी अपने पति को गुनाहगार नहीं समझ सकती, फिर उसे क्षमा करने का क्या अधिकार? मैं तो आपको, आपको सिर्फ अपना जीवन दे सकती हूँ। आशा जी, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हारे नाटक को सच समझ बैठा, और अब सुनिए, मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी? हाँ, बहुत दिन पहले। मुझ में और शोभा में सिर्फ इतना फर्क है कि इसने तो दो चार दिन गृहस्थ का सुख देखा, लेकिन मेरे हाथों में एक पल मेहंदी रचाई गई और दूसरे पल पहुंच दी गई। आप ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, मुझसे प्यार करते रहे। क्या, क्या तुम वही? जी वही, एक चोर की बेटी। आप तो मर्यादा वाले लोग हैं, आपको क्या पड़ी है कि किसी बदनाम घराने की लड़की का हाथ मांगे? भगवान के लिए मुझे जली कटी सुनाकर और शर्मिंदा न करो। फूली पिसरी अब कोई भी बात हमारे रास्ते में नहीं आ सकती, अब तुम मेरी हो। आशा, मैं तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। मुझे, एक चोर की बेटी को? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। राम प्रताप, तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा? आशा, आशा मैं राम प्रताप नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं बेटी। पिताजी? हाँ आशा की मां, मैं वही अभागा का है राम प्रसाद हूं, जो दोषी न होते हुए भी तुम्हें और आशा को किस्मत के हवाले छोड़कर चला गया था। तो वो चोरी आपने नहीं की थी? चोरी मैंने की थी, मैं चोर हूं राम प्रसाद।
मैंने आपका रुपया छीना था, बेगुनाह तो अपने हाथों कन्यादान भी न कर सका, और जिसने चोरी की थी उसने अपने बेटे को डोली में बिठा दिया। मैं क्या जानता था कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसी दूसरे के बेटी का जीवन बर्बाद कर रहा हूं। लाला जी, आपने ये पाप किया भी तो एक मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका ना कोई धर्म है ना कोई असूल है। बेटा, जब कोई पाप का पौधा लगाता है तो उस पे फल भी कड़वा लगता है। मेरी बेटी ने कौन सा सुख भोग लिया? चोरी के बाद मेरी आंखें खुली, इसीलिए तो बचे हुए 10,000 रुपए में चुपके से इनके घर छोड़ आया। और उस रुपए को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि वो चोरी इन्होंने ही की है। आज तक वो पाप की कमाई वैसे की वैसे ही आशा के पास रखी है। आशा, इनके पाप का बोझ मेरे सर पर है, वो कर्ज अब मैं लौटाऊंगा। अरे किस किस का कर्ज लौटाओगे? ससुर का रुपया, पत्नी का अधिकार, भाई और भाभी का प्यार, क्या लौटाओगे? भैया, दुनिया की नजरों में गिर चुका हूँ, अब आप अपनी नजरों से तो मुझे मत गिराइए। एक शर्त पर, हर चीज सूद के साथ लौटानी होगी। जितना शोभा को तुमने सताया है, अब एक एक पल का हिसाब करके उससे दुगना उससे प्यार करना पड़ेगा, समझे? याद है नशे में कितनी बार तुमने भाभी के हाथ का पकाया हुआ खाना ठुकराया है? अब 2 बरस तक दोनों वक्त तुम्हें सिर्फ भिंडी और बैगन खाने को मिलेगा, और शाम को मेरे साथ बैठकर 6 पैग पानी पीना पड़ेगा। अरे आज गलती से एक बार आप भी मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए ना। सारी जिंदगी मुझे गधों से वास्ता पड़ता रहा, लेकिन मैं क्या जानता था कि असली और महागधा मैं खुद हूँ। आज से मैंने गधों का त्याग किया। चलो आज से हमने भी उल्टी खोपड़ी का त्याग किया। क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? अरे भाग्यवान तुम्हें नहीं, मैं तो अपना तकिया कलाम छोड़ रहा हूँ। तेरे जैसी तो 100 बार भी जन्म लू ना तो नहीं मिलेगी। अच्छा। तो लाला गणपत राय जी और लाला बसंत लाल जी, हम सारा जीवन तपस्या करने के बाद ये समझे हैं कि हमारा भारतवर्ष अगर जिंदा है तो सिर्फ हमारी औरतों के कारण। हम राक्षस पाप करते हैं और इन देवियों की तपस्या से हमारे पाप खुल जाते हैं। आशा बेटी मुझे माफ करना, गधे की बुद्धि से मैंने तेरे जैसी सुशील बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन आज आज आदमी की बुद्धि से तुझे स्वीकार करता हूँ। अमर बेटा तू भी अपनी देवी का हाथ पकड़ना, ठीक है? आओ चलो। चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के